हमको भी लग रहा है ये मास्टर साला पागल है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है, लेकिन क्या करे, दूसरा मास्टर लोग ज्यादा पैसा मांग रहा है घर पे आके पढ़ाने का, यही मास्टर सबसे कम रुपया ले रहा है, और हो सकता है इसका पढ़ाने का तरीका अलग हो, देखते हैं कुछ दिन बढ़िया से पढ़ाता है कि नहीं, तब देखेंगे, नहीं तो फिर बदलना पड़ेगा। जबड़ा गुड़ा का दो लगा दो, जैसे मास्टर जी पढ़ाते वैसे पढ़ो, समझे, अब एक भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। और मास्टर जी आप भी अपना तरीका थोड़ा चेंज करके पढ़ाइए बच्चा लोग को, जैसे बच्चा लोग को समझ में आए। ठीक है हम कोशिश करेंगे, ऐसे हमारा तरीका अच्छा है, ये दोनों निकम्मा पढ़ाई सही से नहीं करता है, इसीलिए ना नहीं समझ में आ रहा है इस लोग को, और इसीलिए हिंदी इस लोग को हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे 7 क्लास में आ गया है, अक्ल तो नर्सरी का भी नहीं है इस लोग को। हम देखिएगा हिंदी में इस लोग को ऐसा ट्रेंड करेंगे ना, कहीं पे भी भाषण देगा हिंदी में, लोग बोलेगा बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति सब है ये लोग, इस लोग को बड़ा बड़ा श्लोक याद करवाएंगे हम, आप देखिएगा कैसे आपका बच्चा लोग को हम तेज करते हैं। खाली आप परमिशन हमको दे दीजिए, अगर ये लोग पढ़ाई अच्छा से नहीं करेगा तो हम इस लोग को दंड दे सकते हैं, मार सकते हैं। अरे हाँ हाँ मास्टर जी, जैसे आपको पढ़ाना है इस लोग को पढ़ाइए, बस मेरा बच्चा को आप चालाक कर दीजिए, आपको जितना मारना है इस लोग को मारिए, खुला छूट है आपको। अरे पापा ये क्या कर दिए, अब तो ये मास्टर जानबूझ के हम लोग को मारेगा, पता नहीं कैसे फंसा दिए, पागल मास्टर को बुला लिया घर पे, जब भी इनको बोलते बढ़िया ट्यूशन लगवाने पगला लोग को पकड़ के लाते हैं, अब देखिए क्या पढ़ाएगा। अरे अब तो पापा भी बोल दिया मास्टर साहब को कि बच्चा लोग को मारिएगा, अब तो ये जानबूझ कर मारेगा हम लोग को, अब बच कर रहना पड़ेगा हमको। आप सुनो तुम दोनों, अब हम तुम दोनों को हिंदी का स्वर माला पढ़ाएंगे, तुम बोलो गोरा का दो, ओ, ओ, बताओ ओ से क्या होता है? मास्टर जी अंधा होता है। अरे क्या मतलब है मास्टर जी अंधा होता है, हम अंधा है? नहीं नहीं मास्टर जी ओ से अंधा होता है, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं मास्टर जी अंधा होता है। अरे तो साफ साफ बोलो, और तुम ये भी तो बोल सकते थे कि ओ से अनार होता है, अंधा ही क्यों बोले? मास्टर जी जितना बुद्धि हमको होगा उतना ही ना जवाब देंगे हम आपको। हाँ वो तो पता है तुमको बुद्धि कितना है, तभी ना उल्टा सीधा बोल रहे हो, सही से पढ़ो सही से पढ़ो, नहीं तो सुनी हो ना तुम्हारा पापा क्या बोला है, सही से नहीं पढ़ेगा तो मार सकते हैं, मारेंगे ना तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, समझे? चलो काला कद्दू तुम बोलो। अरे इतना ज्यादा सुर मत खींचो, समझे, गाना नहीं गा रहे हो, चलो बताओ आ से क्या होता है? मास्टर जी आवारा होता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम आवारा है? अरे मास्टर जी हम ये बोल रहे हैं कि आ से आवारा होता है, जैसे आ से आलसी होता है। अरे तो सिंपल शब्द नहीं आता है तुम लोग को, आ से आम भी तो बोल सकते थे, या फिर सही से बोलो मास्टर जी आ से आवारा होता है, ऐसे बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो मास्टर जी आवारा होता है, हम सब समझ रहे हैं तुम दोनों हमको परेशान कर रहे हो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर बदतमीजी की हमसे तो, चलो रे गोरा कद्दू तुम बोलो। अरे मास्टर जी आप ऐसे पढ़ाइएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम पापा को बोल देंगे, ऐसे दिक्कत हो रहा हमको पढ़ने में। अरे क्या हुआ फिर तुमको, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है तुमको? अरे मास्टर जी अभी आप बोल रहे थे हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते आप अंग्रेजी में आ गए, फिर ये और पढ़ा रहे हमको, ऐसे दिक्कत हो जाएगा, बीच में हिंदी फिर इंग्लिश, एक सब्जेक्ट पढ़ाइए ना, अंग्रेजी के लिए दूसरा ट्यूशन पकड़े हुए हम लोग, आप कहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अरे पागल ये अंग्रेजी वाला ही नहीं है तो फिर कौन सा ही है? अरे ये हिंदी वाला ही है। ओ मास्टर जी हिंदी में भी यही होता है?